नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 12,000 रुपए के अंदर मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास रियलमी नार्जो सीरीज का रियलमी नार्जो 50A प्राइम और दूसरा हमारे पास है रेडमी 10 सीरीज का रेडमी 10 प्राइम। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपेरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो Realme Narzo 50A Prime आपको मिलेगा 11,500 रुपए में, वहीं पर 500 रुपए ऊपर खर्च करते हैं तो आपको Redmi 10 Prime 12,000 रुपए में मिल जाता है। दोनों ही मोबाइल में आपको 4GB RAM, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बैटरी आपको नार्जो में 5000mAh की और Redmi 10 Prime में मिलती है 6000mAh की। इसके अलावा आपको क्या क्या दिया गया है इन दोनों स्मार्टफोन में खास, आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस रेगुलर आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो Redmi 10 Prime में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को मिल जाता है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो चलिए हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, शुरुआत हम Narzo 50A Prime से करते हैं। एक मिनी बॉक्स आपको सबसे ऊपर दिया गया है, जिसके बैक साइड लगी है सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और इसके बाद स्मार्टफोन। इसे फिलहाल साइड रखेंगे और अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक USB केबल मिलती है व्हाइट कलर की, और ये है टाइप सी यूएसबी केबल। केबल की लेंथ और क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इस बॉक्स में आपको चार्जर अडैप्टर नहीं मिलता है, यानी कि Realme Narzo 50A Prime में आपको चार्जर अडैप्टर नहीं दिया गया है। फोन हमारा 18 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन आपको वो अलग से परचेज करना पड़ेगा। और अब आते हैं Redmi 10 Prime में। इसमें भी आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, जिसे हम ओपन करें तो यहाँ भी सिम इजेक्टर पिन है और अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। फोन को सेफ्टी देने के लिए इसमें आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद नजर आता है स्मार्टफोन, इसे भी फिलहाल रखते हैं साइड में और अंदर देखें तो यहाँ आपको एक बड़े साइज का हैवी चार्जर अडैप्टर दिया गया है, और यह है 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर। फोन 18 वॉट तक का चार्जर सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको चार्जर अडैप्टर मिल जाता है। यूएसबी केबल को देखें तो व्हाइट कलर की आपको इसमें टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। दोनों का साइज लगभग एक जैसा है। Redmi 10 Prime में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है, Narzo 50A Prime में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। दोनों पर स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल है दोनों के। Narzo 50A Prime का बैक पैनल आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है और Redmi 10 Prime का आपको कर्वी बैक पैनल दिया गया है। सबसे पहले आपको Narzo 50A Prime का बैक पैनल करीब से दिखाते हैं, तो इसमें आपको डबल टोन डिजाइन देखने को मिलती है। ऊपर कैमरा मॉड्यूल के पास आप देख सकते हैं काफी अच्छी फिनिशिंग आपको यहाँ पर दी गई है, और नीचे आपको अलग फिनिशिंग देखने को मिलती है। लाइट रिफ्लेक्शन भी इस पर आपको काफी कमाल का देखने को मिलता है। नीचे Narzo की ब्रांडिंग की गई है। वहीं कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो ट्रिपल कैमरा आपको यहां पर दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 0.3 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं हम Redmi 10 Prime के बैक पैनल को देखें तो यहां पर आपको काफी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, ग्लोसी फिनिशिंग है, और इस पर भी हल्का सा लाइट रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। नीचे Redmi की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल को देखें तो यहाँ आपको क्वाड कैमरा मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है। साथ में आपको 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको यहाँ भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं और पावर ऑन की यहीं पर आपको मिलती है। वॉल्यूम रॉकर्स आपको Redmi में राइट साइड में ही दिए गए हैं। ऊपर की साइड आपको Narzo 50A Prime कुछ नहीं देता, जबकि Redmi 10 Prime आपको बहुत कुछ दे रहा है। सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, IR ब्लास्टर रिमोट कंट्रोल के लिए, और स्पीकर आपको इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाता है।
जाते हैं, यानी कि ऊपर भी आपको स्पीकर दिया गया है, साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी ऊपर की साइड ही दिया गया है। मोबाइल के लेफ्ट साइड में मिलती है आपको सिम ट्रे और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक रियलमी में नीचे की साइड दिया गया है। इसके अलावा दोनों में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है और दोनों की ब्राइटनेस भी कर दी है फुल। तो यहाँ जो इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन का कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। दोनों मोबाइल में आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। थोड़े कलर्स अच्छे लगे मुझे यहाँ पर, नार्जो 50A प्राइम के 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है आपको रियलमी में और रेडमी में 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो एज बेजल्स हैं वो कॉर्नर से काफी थिक और नीचे से थोड़े ज्यादा बेजल्स आपको नजर आएंगे। नेविगेशन की आपको यहाँ पर दी गई है, दोनों स्मार्टफोन के आइकन आप देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस देखें तो नार्जो 50A प्राइम में स्क्रॉल अप करने पर और रेडमी 10 प्राइम में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में कई सारे फालतू प्री इंस्टॉल ऐप आपको दिए गए हैं, हालांकि आप इन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको रेडमी 10 प्राइम में और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको नार्जो 50A प्राइम में दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, तो नार्जो 50A प्राइम में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है और रेडमी 10 प्राइम में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 PPI और 405 PPI की दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको रेडमी 10 प्राइम में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दोनों मोबाइल की हाइट को एक साथ देखें तो नार्जो 50A प्राइम की हाइट है 164.4 mm और 161.9 mm की हाइट आपको रेडमी 10 प्राइम में मिलती है। थिकनेस भी अलग अलग है दोनों स्मार्टफोन की, 8.1 mm की थिकनेस आपको रियलमी में और 9.5 mm की थिकनेस आपको मिलती है रेडमी 10 प्राइम में, जबकि वेट बिल्कुल सेम है। लगभग दोनों स्मार्टफोन है 193 ग्राम के, 6000 mAh की बैटरी लगी है रेडमी 10 प्राइम में और 5000 mAh की बैटरी लगी है नार्जो 50A प्राइम में। और अब नजर डालते हैं सेटिंग पर, शुरुआत करते हैं रियलमी नार्जो 50A प्राइम से। तो इसकी सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं, तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ आपको सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है और Realme UI वर्जन इसमें R एडिशन, Android वर्जन 11 दिया गया है, प्रोसेसर 1.8 GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट यूनिसोक T612 का आपको इसमें मिलता है, 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक माली G57 के, 4GB रैम LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको इसमें दिया गया है। और अब नजर डालते हैं Redmi 10 Prime की सेटिंग में, तो इसकी सेटिंग को जैसे ही ओपन करते हैं तो अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे हम ओपन करें तो MIUI वर्जन आपको इसमें 12.5.3 का मिलता है। ये स्टोरेज मीटर है, आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहां से मिल जाती है। इसके अलावा आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 मिल जाता है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट यहां पर दिया गया है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 4GB रैम आपको इसमें LPDDR4X की दी गई है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से यूज के लिए 44GB फोन में अवेलेबल है और एक्सपेंडेबल मेमोरी आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको इसमें मिलता है, 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio Z88 का एक गेमिंग चिपसेट मिल जाता है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हो तो ये स्मार्टफोन आपको काफी पसंद आएगा। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक माली Z52 के आपको इसमें मिलते हैं। चलिए दोस्तों एक नजर हम दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिए हैं। कलर का थोड़ा अंतर आपको नजर आएगा, यहाँ पर थोड़े से ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है Redmi 10 Prime की और जो कलर एक्चुअल लग रहे हैं वो लग रहे हैं नार्जो 50A Prime से। जूमिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप नार्जो से कर सकते हैं ओनली 4x तक जूम, ये रही इसकी फुल जूम क्वालिटी, अच्छी क्लैरिटी है। वहीं Redmi 10 Prime से तो आप कर सकते हैं पूरा का पूरा 10 गुना जूम, ये देखिए 10x जूम आप यहां पर कर सकते हो और जूम क्वालिटी यहां भी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक और फायदा मिल जाता है Redmi 10 Prime में, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का, जो आपको नार्जो 50A में नहीं मिलता है। ये देखिए यहां पर अभी ये नॉर्मल हम 1x में आ जाते हैं, ये अभी आगे हम और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का असर देखते हैं। तो ये देखिए हम कम कर सकते हैं जूम, 0.6 तक ले गए हम जूम आउट और आप देख सकते हैं यहाँ पर
काफी ज्यादा स्पेस और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मली आजकल इस बजट रेंज में कोई भी स्मार्टफोन आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर Redmi 10 Prime में मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा अच्छी लग रही है नार्जो 58 प्राइम की। यहाँ पर आप करीब से भी देखिए और जूमिंग देखते हैं तो फ्रंट सेल्फी कैमरा से आप दोनों में जूमिंग नहीं कर सकते। तो ये थे 11,500-12,000 रुपए की कीमत में मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन। अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो Realme Narzo 58 Prime हाल ही में लॉन्च हुआ है, नया स्मार्टफोन है और काफी यूनिक डिजाइन, काफी अच्छा लुक है इसका, देख सकते हैं यहाँ पर, मुझे डिजाइन इसका काफी अच्छा लगा। लेकिन जब बात आती है फीचर्स की तो उस मामले में ये स्मार्टफोन काफी पीछे हो जाता है, यानी कि ये एक ओवर प्राइज स्मार्टफोन हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें चार्जर भी नहीं दिया गया, अगर आप चार्जर अलग से परचेस करते हो तो इसकी जो कीमत है वो Redmi 10 Prime से भी ऊपर हो जाएगी। वहीं Redmi 10 Prime में आपको एक प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाता है, साथ में 6000 mAh की बैटरी दी गई है और चार्जर भी इनबॉक्स आपको दिया गया है। तो मुझे ये स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा लगा, इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले भी मिल जाती है। इसके अलावा आपकी पसंद मैटर करती है, आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।